अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बड़े ऊंचे ऊंचे मिसाल कायम कर चुके भारत के लिए एक बार फिर से गौरव का वो क्षण आने वाला है जब पूरी दुनिया भारत को टकटकी लगाकर देखेगी। अंतरिक्ष की असीम ऊंचाइयां नाप चुका भारत एक बार फिर से एक ऊंची छलांग लगाने की तैयारी में है। इस दिशा में इसरो चीफ एस सोमनाथ ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। इसरो के चांद और मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक मिशन पूरा करने के बाद अब एक नया टारगेट अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्थापित करने का है। we are asking that we would like to fly in international space station. It's an announcement based on our honorable prime minister and president of US when they met. This idea was mooted, so we were taking it forward, and that's what the NASA chief said, that Indian astronauts will be flying to International Space Station in an American vehicle. So what we are looking at is that the whole program should be done in such a manner that it benefits us. Basically, we want our astronauts to get trained at the US facilities. Not only the astronauts, the astronaut handling, the medical team, the control team, etc. And also they will get exposure for flying to International Space Station. So it will help us to make our Gaganyaan program better. इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने इस रोमांचित कर देने वाले मिशन की जानकारी देते हुए कहा कि भारत इसमें भी जल्दी कामयाबी हासिल करेगा। इस बीच भारत के दौरे पर आए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के चीफ बिल नेल्सन ने बताया कि यूएस स्पेस एजेंसी इंडियन स्पेस स्टेशन बनाने में भारत की सहायता करने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि अमेरिका इसके लिए भारत से पार्टनरशिप भी कर सकता है। नासा चीफ बिल नेल्सन ने कहा कि भारत अपना स्पेस स्टेशन स्थापित कर ले तो इससे पूरी दुनिया को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत मिलकर ये योजना बना रहे हैं कि अगले साल यानी 2024 के अंत तक इंडियन एस्ट्रोनॉट को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा जाए। इससे पहले भारत और अमेरिका के ज्वाइंट सेटेलाइट निसार को लॉन्च करेंगे। आपको बता दें कि स्पेस स्टेशन दरअसल अंतरिक्ष में स्थापित एक बड़े वेधशाला के तौर पर काम करता है। इसे पृथ्वी से 250 मील या 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। ये होता तो एक यान है, लेकिन ये लगातार पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है। स्पेस स्टेशन को ऑर्बिटल स्टेशन भी कहते हैं। इसको इंसानों के रहने के लिए सभी सुविधाएं हो, इस बात को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। यानी ये अंतरिक्ष में मानव निर्मित ऐसा स्टेशन है जिससे पृथ्वी से कोई अंतरिक्ष यान जाकर मिल सकता है। इसके अलावा इसमें इतनी क्षमता होती है कि इस पर अंतरिक्ष यान उतारा जा सके। इन्हें पृथ्वी की लो ऑर्बिट कक्षा में ही स्थापित किया जाता है। हम आपको बता दें कि स्पेस स्टेशन एक तरह का मंच है जहां से पृथ्वी का सर्वेक्षण किया जा सकता है, आकाश के रहस्यों को मालूम किया जा सकता है। वर्तमान में पृथ्वी की कक्षा में दो स्पेस स्टेशन हैं। इसमें अमेरिकी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और चीन का टियानगोंग 2 शामिल है। अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वैज्ञानिक लंबे समय तक अंतरिक्ष में रुककर अलग अलग तरह के प्रयोग और अंतरिक्ष विज्ञान संबंधी अध्ययन कर सकें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।